आपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं, लगा चुके हैं, कैसे लगाएंगे हम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप 2 tan 30 डिग्री 1 अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व दिस। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, आपको पहले ही बताया था कि अगर यहां पे स्क्वायर है, x means it is applicable for whole, it means 1 upon 3 whole square, understand? Now solve this, under root 3 upon, and this one 1 upon 3, because square of under root 3 will be 3. Now 2 upon under root 3, and this will be solved by the fraction method. So 3 4 upon 3. Now solve this, 3 upon 4, 2 to the 4. Now it means 3 2 under root 3, but upon mein under root 3 rakhna sahi nahi hai, theek hai, isko nahi rakha jata hai, isko hum rationalize kar lenge, wahi previous method hai, 3 2 अंडर रूट 3 है, तो 3 अपॉन अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका, तो ये कितना जाएगा ऊपर आपका 3 अंडर रूट 3 और नीचे 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो इस 3 से इस 3 को आप कट कर सकते हैं, यानी हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, दैट विल बी ये आपका आंसर। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, एकदम इजी है। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 का 1, 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2, ओके, नाउ इट विल बी 0 आंसर, एकदम इजी, देखें चुटकियों नहीं लगा और एमसीक्यू की तरह सॉल्व होगा, ऐसे ही एमसीक्यू आपको एग्जाम में आएगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखते हैं, कि ये थोड़ा सा, इफ टेन ए प्लस बी equal to under root 3 and tan a minus b equal to 1 upon under root 3 and have condition a plus b will greater than 0 degree but less than r equal to 90 degree, यानी जो a plus b की value है वो 0 degree से बड़ा होना चाहिए but 90 degree के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, and one more condition, A will greater than B, यानी A जो होगा वो B से बड़ा होगा, यानी A is greater than B। चलिए let's solve, तो tan A plus B equal to under root 3, now tell me what is the value for under root 3, इसके लिए value क्या होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan 60 degree, ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, तो आप देखिए, नाउ व्हाट साइड tan, सो थीटा विल बी इक्वल a प्लस b इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान सकते हैं। नाउ सेम वे लाइक दैट, tan a माइनस b इक्वल टू अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, नाउ this will 30 degree, now both side tan, so a minus b equal to 30, now use the substitution method, a equal to 30 plus b, put the value of this into this, now 30 plus b
प्लस बी इक्वल टू 60. नाउ 2b इक्वल टू 60 माइनस 30. b इक्वल टू 30 अपॉन 2 15. इट मींस b हैव द वैल्यू इक्वल टू 15. है b आपका 15 डिग्री है. नाउ a विल बी a कितना हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 30 प्लस 15. दिस a इक्वल टू 45. नाउ आप सेटिस्फाई हो रहा है, अगर a प्लस b हम करें, a प्लस b इट मींस आपका कितना हो गया 45 प्लस 15. नाउ कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री. बट और यहां से सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, a इज ग्रेटर देन b, यानी 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री. बोथ कंडीशन इज सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज को सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं.